Though our grandparents were farmers, we have become doctors, but we are son of farmers. So it is our responsibility. If the people who are basically doing some kind of a protest, and we know that this government is not going to, you know, bend so easily. So they have to sit here for longer time as well. So we also made our mind that, okay, we will be the part of this movement. आप देख रहे हैं जो प्रोटेस्ट है उसकी स्टेज बहुत आगे है और पीछे तक ट्रॉलीज में लोग बैठे हुए हैं। जो बुजुर्ग पीछे से एक दिन में दो दो तीन तीन बार आगे पीछे जाते हैं, कभी स्टेज पे आगे कहीं पीछे चले गए, उनके घुटनों में उनके पाँव में दर्द रहती थी, तो हम वो हमारे पास आते थे, कोई हमारे मेडिसिन दे दो जी, कुछ ये है, तो हमारे जो वॉलंटियर है हाथों से उनके घुटने वगैरह दबाते थे, मालिश करते थे उनकी। तो फिर ये था कि वो एक दो को चार दिन को पांच को एक नंबर तक ही सीमित था, वो उसको कर पाते थे। फिर हमने ये आइडिया है कि क्यों ना टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। हमने सुबह 11 से 2 बजे तक और 3 बजे से शाम 6 बजे तक हम इसका जो सेशन होता है उसमें 10-10 मिनट का सेशन होता है। 20 लोग एक बार बैठ जाते हैं, 10 मिनट उनको मसाज दे के और फिर वो नेक्स्ट 10 आ जाते हैं। ये राम आता है, जैसे पहले बुजुर्गों की मसाज किया करते थे, बच्चे करते थे, कोटते थे, ऐसे ये हो रहा काम। हम बताते हैं बच्चों को भी ऐसे काम चल रहा, सारे भला रहे हैं, बहुत अच्छा काम है तुम्हारा, ये अच्छा है। वहाँ ਆਲਰੇਡੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀਕ ਸੀ। ਥਾਲੀਆਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਗਲਾਸ ਥਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹਵਾ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਸਫਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।